दोस्तों हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग होती है, लेकिन हिस्ट्री फार्मेसी की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? इस वीडियो को देखें दोस्तों, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो, क्योंकि हम यहाँ पर इतिहास जानेंगे फार्मेसी का, फार्मेसी की हिस्ट्री कैसे शुरू हुई यहाँ पर, और फार्मेसी में फादर ऑफ फार्मेसी किन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ फार्मेसी दोस्तों यहाँ पर गैलन को माना जाता है। गैलन को क्यों माना जाता है दोस्तों? गैलन की एक डिस्कवरी इस वीडियो में जानें दोस्तों। थैरी एक उन्होंने डिस्कवर की थी। थैरी एक उन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी जिसको हम एक हर्बल जैम भी बोलते हैं। थैरी एक हर्बल जैम होता है दोस्तों, अगर आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एंशियंट टाइम्स में ऐसा माना जाता था दोस्तों कि वो एक थैरी एक जिसने खा लिया तो उसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। काफ़ी सारे पॉइजन्स का एंटीडोट था थैरी एक। गैलन से टर्म आई थी ग्लैनिकल्स। ग्लैनिकल्स जो दोस्तों टर्म है वो एक डिराइव हुई थी गैलन के नाम से। ग्लैनिकल्स का दोस्तों आपको मतलब पता होगा, ग्लैनिकल्स का मतलब होता है यहाँ पर जो कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड हो। ग्लैनिकल कोई भी ऐसी मेडिसिन हो सकती है, कोई भी ऐसा सिरप हो सकता है जो कि मेडिसिनल हो और वो नेचुरली एक्सट्रैक्टेड हो, नेचुरल कंपोनेंट से मिलकर बना हो, सिंथेटिक उसमें कोई भी प्रोडक्ट ना हो। तो यहाँ पर जो ग्लैनिकल्स है वो गैलन से मिलकर आया है। गैलन ने एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाए थे, मोर देन 50 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज़ करे थे अपने थैरी एक बनाने में। तो यहाँ से उन्हें फादर ऑफ फार्मेसी का दर्जा मिला दोस्तों। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी उन्हें कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है फादर ऑफ फार्मेसी तो यहाँ पर गैलन सही आंसर है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी या फिर फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी तो यहाँ पर आंसर आएगा प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर की एक हिस्ट्री है जो कि हमें जाननी चाहिए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात शुरू होते हैं यहाँ पर। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर जब 3 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी येलो फीवर की वजह से। उन्होंने शुरुआती उनका काफ़ी स्ट्रगल रहा था। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी, उसके बाद जैसे उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उन्होंने सोचा कि वो फार्मेसी में काम करें। उन्होंने काफ़ी टाइम तक काम किया, उसके बाद वो प्रोफेसर के लिए इलेक्ट हो गए थे। वो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के अंदर एज अ प्रोफेसर वो लग चुके थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जैसे ही 2 साल के बाद जैसे वो प्रोफेसर थे तो उन्होंने फाउंड की अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। जब वो उनके फाउंडर भी थे, को फाउंडर भी थे, तो ये एक उन्होंने शुरुआत करी। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से ही उनका नाम हुआ और उन्होंने जाना जाता है फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी या फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी। उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च करी, काफ़ी सारे ड्रग्स के प्रोजेक्ट्स बनाए और उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर ने काफ़ी सारे ड्रग्स के बारे में हमें बताया है और उनके 30 साल के करियर के अंदर 30 साल तक उन्होंने फार्माकोपिया जितनी भी अमेरिका में बनी थी तो उन्होंने वो सारी रिव्यू करी हैं। तो यहाँ पर उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के अंदर दोस्तों। उसके बाद बात आती है फाइनली फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है महादेव लाल श्रॉफ, प्रोफेसर श्रॉफ हम उन्हें बोलेंगे। प्रोफेसर श्रॉफ की काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, अगर मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँ तो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 3 साल का कोर्स फार्मेसी का। और दोस्तों मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, एक पहला कॉलेज था जो फार्मेसी कॉलेज इंडिया का, वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहली यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर फार्मेसी कोर्स अलाउ किया गया था, जो कि प्रोफेसर श्रॉफ जी ने किया था। और यहाँ पर आपको खास बात दोस्तों ये है कि जो प्रोफेसर श्रॉफ थे, पहले उन्होंने BSc के अंदर ही एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करी थी फार्मेसी एजुकेशन को, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट आया था पहली बार। उसके 2 सालों बाद दोस्तों उन्होंने डेडिकेटेड कोर्स निकाला था 3 साल का, जो कि फार्मेसी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बूम लेके आया था। 3 साल का फार्मेसी कोर्स यहाँ पर निकाला था और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके 3 साल बाद ही मिस्टर श्रॉफ जी ने यहाँ पर MPharmacy इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया के अंदर। तो ये दोस्तों जानने वाली बात है कि पहला हमारा कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी इंडिया की हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी और पहली बार जिन्होंने कोर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे वो मिस्टर श्रॉफ थे। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ जी ने काफ़ी सारे अपने रिसर्च करी, काफ़ी सारे एजुकेशन में भी रहे वो। वो एक टीचर भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे, एक रिसर्चर भी थे। तो उनकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना कैसे इंडिया के अंदर फार्मेसी की शुरुआत हुई, कैसे यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी, फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी की हमने बात करी दोस्तों। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो देखकर कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।